अगर हम समाज को कुछ गलत देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं भी उसी समाज से आता हूँ और उसका प्रभाव, उसका परिणाम हम पे भी पड़ेगा। अगर हम समाज को कुछ अच्छा देने का कोशिश करते हैं तो इसका प्रभाव भी हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं। एक वृद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ लड़के उनका पीछा करते हैं, पीछा करके उन्हें गाली गलौज करते हैं उस वृद्ध को। वृद्ध निर्दोष बेचारे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो दो चार लड़का था उनका पीछा करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन वृद्ध अपना कान बंद किए हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन लड़कों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ और तुम चुपचाप सुनते जा रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाली से। उस वृद्ध ने वापस मुड़कर बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, हमारे हाथ में ये कमंडल है और इस कमंडल को मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुमने नहीं लिया तो कमंडल कहां रह गया। लड़के ने कहा कि अगर मैं कमंडल नहीं लेता हूं तो ये तो तुम्हारे पास रह जाता है। तो वृद्ध कहते हैं कि बस तुमने मुझे गाली दिया और मैंने लिया ही नहीं, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया, किसके पास रहा। उन सभी युवक की आंखें नम हो गई। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं KR न्यूज। जैसा कि आप सभी अभी जान रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी विवाद चल रही है। अश्लील गानों को लेकर कई लोग उसका समर्थन करते हैं, कई लोग उसका विरोध करते हैं, इसको लेकर काफी विवादें चल रही है। बहुत सारे सिंगर गायक इसमें जूझ रहे हैं। मैं बता दूं, हमेशा गलत को गलत कहना चाहिए, हर इंसान का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जो गलत है उसको मैं गलत कहूं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो या पवन सिंह जी हो या कोई भी सिंगर हो, कोई भी गायक हो, किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो गलत है हमारे समाज के लिए, आपके समाज के लिए, हम सबों के लिए, अश्लील गाना जो एक सामूहिक तौर पे बजाया जाता है, हमारी माँ बहन, हमारे घर के सभी सदस्य वहाँ पे होते हैं और उस जगह पे यदि उस गाना को बजाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और हम सबों को इससे दूर रहना चाहिए। जैसा कि अभी सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अश्लील गानों को लेकर विरोध करते हैं कि ये गाना बंद किया जाए, ये गाना नहीं गाया जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर गाना बंद नहीं होता है और हम लोग यदि उसे घर में, अपने समाज में उसको बजाना बंद कर दें तो क्या इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो गलत है उसका त्याग अगर हम सब मिलकर करें तो शायद कहीं ना कहीं बहुत आसानी होगी उस कुरीति को अपने समाज से दूर करने में। क्या जरूरत है किसी को गाली देने की? नहीं चाहिए मुझे। बस केवल और केवल अपने आप में सुधार लाएंगे, अपने घर में सुधार लाएंगे, अपने समाज में सुधार लाएंगे, बहुत आसानी से सुधर जाएगा हमारा देश, हमारा राज्य। तो कोशिश करनी है कि सबसे पहले शुरुआत अपने घर से की जाए और केवल एक व्यक्ति के चाहने से कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि बिहार सरकारी से बंद कर दे, सरकारी से बंद कर दे। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में शराब बंद है लेकिन क्या बिहार से आयात बंद है? क्या बिहार से निर्यात बंद है? नहीं। तो सरकार के चाहने से या किसी एक के चाहने से यह संभव नहीं है। इसके लिए हम सबों को जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर कुछ चीजें, कुछ गलत चीजें, कुछ गलत बातें यदि हमारे समाज को दिया जाता है, हमें दिया जाता है, हम सब उसे स्वीकार ना करें, हम सब उसे एक्सेप्ट ना करें, वो मेरे पास नहीं आएगा, तो हम सब बस अस्वीकार करें, विवादें खत्म हो जाएगी, गलत बातें खत्म हो जाएगी, अश्लील गाने बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। इसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं।